वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कार एक्सीडेंट इन शोरूम के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस निकल कर आते रहते हैं दिन ब दिन कि भाई गाड़ी की डिलीवरी लेते वक्त ही एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपके किसी का वीडियो इस लिस्ट में आ चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हो। वैसे ये चीज़ें दिखने में बहुत ज़्यादा फनी होती है, बहुत सारे लोग इस पर हंसते भी हैं, हम भी वही कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो, लेकिन जिसके साथ में ये चीज़ें होती है ये उनकी लाइफ का सबसे ख़राब एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तब उनको भी ये सब चीज़ें फनी लगने लग जाती है। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा टियागो एक्सीडेंट के बारे में। ये एक्सीडेंट अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि भाई सेल्समैन कस्टमर को गाड़ी एक्सप्लेन कर रहा होता है, सर ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। अच्छा, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। नहीं नहीं सर, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। रुको एक मिनट, दबा कर देखता हूँ मैं। अब एक्सप्लेन करते वक्त कस्टमर गलती से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देता है और गाड़ी अचानक से शोरूम को एकदम चीरते हुए बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद में एक दो गाड़ियों को ठोकती है और पलट जाती है। अब इसमें कस्टमर को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, साथ ही में शोरूम वालों के साथ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इसमें आयरनी यह है कि भाई कस्टमर जिस गाड़ी को बाहर जाकर ठोकता है वो गाड़ी शोरूम के मैनेजर की होती है। अब वो शोरूम टाटा का है लेकिन टाटा के मैनेजर के पास में फोक्सवैगन की गाड़ी है। अब ऐसा सेम टू सेम केस एक i20 के साथ में भी हो चुका है। सेल्समैन एक मैडम को गाड़ी एक्सप्लेन कर रहा होता है लेकिन समझने में किसी भूल के कारण वो गाड़ी शोरूम से स्टार्ट होकर बाहर शीशे तोड़कर निकल जाती है। शीशे तोड़ने के बाद में बाहर जो पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई थी उन सभी गाड़ियों के बीच में जाकर ठुक जाती है। अगला एक्सीडेंट आता है टाटा पंच का। अब इस एक्सीडेंट को देखने के बाद में तो यही लगता है कि भाई कस्टमर गाड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। अब जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी लेता है और सीधा पंच मारता है शोरूम के अंदर ही। अब इस केस में पता नहीं ड्राइवर अनट्रेन था या फिर गाड़ी में ही कुछ खराबी थी। अब शोरूम में जो लोग गाड़ी चालू कर देखना चाहते हैं वो लोग एक चीज़ और देख लो जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस वीडियो में आपको टाटा का शोरूम दिखाई दे रहा होगा। आगे की तरफ टाटा पंच खड़ी है, पीछे की तरफ अल्ट्रोस खड़ी है। उस अल्ट्रोस को कस्टमर जो होता है वो चेक कर रहा होता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर लगी हुई है। उसी में से एक मैडम गाड़ी के सामने आकर खड़ी होती है और आगे की तरफ से गाड़ी को निहार रही होती है, लेकिन अचानक से अंदर बैठा कस्टमर गाड़ी को चालू करता है और एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शोरूम के अंदर गाड़ी चालू करना मतलब ये मतलब अच्छी बात नहीं होती है। अब हमने वैसे टाटा की बात बहुत कर ली, अब बढ़ते हैं किया की तरफ। किया को इंडियन मार्केट में आकर बहुत ही कम टाइम हुआ है लेकिन इस कम टाइम के दौरान भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं शोरूम के अंदर ही। अब फर्स्ट वाला एक्सीडेंट ये वाला हुआ जिसमें शोरूम वाले ही गाड़ी को इधर उधर कर रहे थे और अचानक से गाड़ी का कंट्रोल खो गया और गाड़ी फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर कूद गई और कूदने के बाद में दूसरे किया सेल्टोस को ठोक दिया। एकदम ऐसे 90 डिग्री एंगल पर खड़ी है गाड़ी, आप देख सकते हो। अब दूसरा एक्सीडेंट किया सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव के वक्त हुआ। कस्टमर गाड़ी को आराम से चला रहा है, चलाते चलाते पता नहीं उसको नींद आ गई, क्या हुआ गाड़ी को एकदम ऐसे डिवाइडर पर ही ठोक दिया साइड से पूरा। पता नहीं क्या है, लाइसेंस वगैरह नहीं देखते क्या शोरूम वाले। वह सेल्टोस के ऊपर पता नहीं क्या हो रखा है, एक्सीडेंट होते ही जाते हैं इसके शोरूम में। जब वो शोरूम के किसी पार्किंग में खड़ी होती है गाड़ी एकदम पूरी तरह से लॉक होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर शायद से हैंडब्रेक वगैरह नहीं लगाया होगा या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, तो गाड़ी अचानक से रोल आउट होना शुरू हो जाती है पीछे की तरफ। और रोल आउट होते होते वो आंगन में आती है, आंगन ही बोलेंगे उसको, आंगन में आती है और आंगन एकदम थोड़ा हाइट पर होता है 5-6 फीट की, तो उस हाइट को एकदम जंप कर वो रोड पर आ जाती है। अब इसमें सेल्टोस की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है उनको तो मानना ही पड़ेगा यार। अब सेल्टोस के ऊपर से थोड़ी बहुत नजर हटाते हैं और आते हैं किया कार्निवल पर। अब इस एक्सीडेंट के बारे में मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सीडेंट आपने बहुत ही ज्यादा देख लिया होगा क्योंकि इस पर लगभग 11 मिलियन व्यूज है। मेरे हिसाब से तो कस्टमर गाड़ी का क्रैश टेस्ट करना चाहता होगा ताकि वो भी अपनी तरफ से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दे सके गाड़ी को। अब बात करते हैं लीजेंडरी पोलो के बारे में। अब इसमें होता ऐसा है कि भाई कोई भाई साहब गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी लेते ही वो अपने घर को जाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन पता नहीं गाड़ी को शोरूम से क्या प्यार होता है, जैसे ही निकलने वाली होती है किसी पत्थर पर टायर चढ़ता है और उधर ही पलट जाती है और फिर से शोरूम के अंदर जमा कराना पड़ता है गाड़ी को।
अब महिंद्रा वालों ने थार का प्रमोशन एकदम जोरों शोरों से करा था। गाड़ी में इतना रैंप है वो और इतना डिपार्चर अप्रोच एंगल वगैरह सारी चीजें बता दी थी गाड़ी के बारे में। अब इतनी सारी चीजें अगर महिंद्रा बताएगा तो कस्टमर के अंदर भी तो चुल आएगी। तो बहुत सारे कस्टमर क्या थे, उन्होंने टेस्ट ड्राइव लेते वक्त ही गाड़ी के साथ में ऑफरोडिंग करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे GTA खेलना बहुत पसंद है हमेशा से, लेकिन कंप्यूटर कभी रहा नहीं मेरे पास तो मैं इतना ज़्यादा खेल नहीं पाया। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को भी GTA खेलना बहुत पसंद होगा। उन्हीं में एक भाई साहब ये भी है जिन्होंने रियल लाइफ में खेल के देख भी लिया, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर ऐसे ही वीडियोस रोज देखना चाहते हो डेली एकदम, तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, साथ ही में बेल आइकन वगैरह भी दबा दो। और ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत शेयर करने लायक आपको लगा हो तो आप शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब सेम केस मेरे साथ भी हो चुका है। मैं 12th में पढ़ता था और मेरी बाइक चोरी हो गई। जिस दिन बाइक चोरी हुई उस दिन मैं खतरनाक रोया, लेकिन जब आज उस बारे में बात करते हैं तो भाई उसको एक फनी वे में लिया जाता है।